हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के न्यू प्रोसेस को समझने वाले हैं। 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो नई प्रोसेस है उसमें आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस को वेरीफाई किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ने दो तरीका यहाँ पर निकाला। एक तरीका जो कि पहले से चला आ रहा था, यानी कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से ही ये मैंडेटरी कर दिया गया है और काफी सारे स्टेट्स में इसे अप्लाई कर दिया गया। इवन इस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो किस तरीके से ये वर्क करेगा, तो दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे किन लोगों को जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है और वहां पे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, इसके बाद किस तरीके से एआरएन जनरेट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 10 जुलाई 2024 से बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन मैंडेटरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन पैन इंडिया बेसिस। तो दोस्तों अब क्या है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, यानी कि जो फाइनली हम स्टेप्स अपना फॉलो करते थे, तो 10 जुलाई 2024 को जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दोस्तों ये बताया गया है कि जो पहले से ऑलरेडी जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन था, ये तो पहले से ही काफी सारे स्टेट्स में इसको अप्लीकेबल कर दिया गया था, लेकिन अब दोस्तों ये धीरे धीरे सभी स्टेट्स में ये अप्लीकेबल होने जा रहा है। अब इसके दो स्टेप है यहाँ पे बेसिकली। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप ऑनलाइन ही बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन से अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा जो दोस्तों ऑप्शन ये मिलेगा अब आपको, जैसे कि अभी गुजरात में ये जो जीएसटी सुविधा केंद्र वाली जो सिस्टम थी और इसके अलावा कुछ स्टेट्स और थे जिसमें कि ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑफलाइन मोड में इसको अप्लाई किया गया था। तो ऐसे लोग जो कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अब जीएसटी सुविधा केंद्र पे क्या करना होगा, विजिट करना पड़ेगा। अब जीएसटी सुविधा केंद्र पे विजिट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, स्लॉट बुक करना पड़ेगा। किस तरीके से सारा प्रोसेस वर्क करेगा, इसके बाद जब आप डेट और टाइम स्लॉट वगैरह आपकी बुक हो जाएगी तो वहां पर आपका जो फोटो जो है कैप्चर किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। तो ये जो प्रोसेस है ये अभी न्यूली यहां पे इंसर्ट किया गया है और कुछ स्टेट्स में इसको अप्लाई कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां पे आप जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे, आप जो है ऑनलाइन खुद से इसका बायोमेट्रिक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके यस पे क्लिक करने के बाद आपको इस बॉक्स को चेक करना पड़ता है और यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे जो मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आपका है जो कि लिंक्ड है आधार कार्ड में, जो लिंक्ड है उस मेल आईडी पे आधार, उस मेल आईडी मोबाइल नंबर पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक लिंक आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर जो लिंक भेजा गया उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जो है क्या कर सकते हैं, आधार को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। बिहार, दिल्ली और कर्नाटक और पंजाब स्टेट्स के लिए एडवाइजरी यहाँ पे जारी की गई कि इन स्टेट्स में जो है आप बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे मैंडेटरी अब कर दिया गया है। इसके अलावा भी पहले से भी कुछ स्टेट्स हैं जिसमें कि ये पहले से मैंडेटरी हो चुका था और धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, जीएसटी काउंसिल इसे जो है अप्लीकेबल करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जीएसटी आरईजी 01 में जो भी आप अप्लीकेशन अपना सबमिट करेंगे, इसके बाद आपको जैसे पहले क्या होता था, आपको एआरएन नंबर अलॉट हो जाता था, इसके बाद जीएसटी ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता था, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता था जो भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय अप्लाई करते समय अपलोड किया था, जब उससे संतुष्ट होता था तो फिर आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता था। लेकिन आप दोस्तों एआरएन नंबर जो होगा वो जनरेट नहीं होगा जब तक कि आपका इन पर्सन वेरिफिकेशन ना हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स को जब तक वेरीफाई ना कर लिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन देखिए निकाला गया है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक भेजा जाएगा, एक तो ऑप्शन ये होगा। दूसरा होगा कि अ लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विथ अ मैसेज टू विजिट अ जीएसटी सुविधा केंद्र अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ जीएसके एंड ज्यूरिसडिक्शन फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहां पर एक लिंक जो आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए सेंड किया गया, दूसरा जो लिंक आपको भेजा जाएगा वो भेजा जाएगा कि आप जो है जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाकर के भी अपना ये वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा और इसका जो आपको स्लॉट वगैरह बुक करने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपके ईमेल आईडी पे इसका इंटीमेशन सेंड किया जाएगा। अब जैसे क्या है कि यदि आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अ लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, तो यदि इफ द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेंशन ही शी कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। मतलब जैसे पहले आप जो है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन आप करते थे उसी तरीके से आपको अभी भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो यदि आपको ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको लिंक मिला है, ऑनलाइन ही आप इसको करना चाहते हैं, तो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप पहले वाला ऑप्शन यानी कि जो ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट नहीं करते, जैसे मैंने आपको दिखाया, यदि आप नो पे सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में फिर क्या होगा, आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा, आपको लिंक एक भेजा जाएगा आपके ईमेल आईडी पे और आपको यहाँ पे बुक जो है करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट, ठीक है। और जो भी आपकी डेसिग्नेटेड जीएसके होगा यानी जीएसटी सुविधा केंद्र उस पे आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ईमेल आईडी में कुछ इस तरीके से ये जो है डिटेल्स आपको फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। आपका जो भी ज्यूरिसडिक्शन होगा, जब जीएसटी नंबर एप्लीकेशन अप्लाई करते समय आपको वहाँ ज्यूरिसडिक्शन डिटेल्स डालना पड़ता है, रेंज डालना पड़ता है, कोड डालना पड़ता है, सर्किल डालना पड़ता है, तो उसके आधार पर ये जो सिस्टम है आपका पिक कर लेगा और आपको ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन भेजेगा। तो यहाँ पे मेंशन रहेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र, इसके बाद जो ज्यूरिसडिक्शन आपने सेलेक्ट किया था अपने जब एप्लीकेशन जीएसटी एप्लीकेशन फिलअप करते समय जो भी आपने ज्यूरिसडिक्शन सेलेक्ट किया था वो डेट आ जाएगी। इसके बाद ड्यू डेट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको ड्यू डेट भी मेंशन किया रहेगा कि आपको किस डेट पर जा करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको कराना है। तो ये जो लिंक आप यहाँ पे देख रहे हैं इस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो TRN नंबर आपको जनरेट हुआ है वो TRN नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन करते समय आपने यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया कि काइंडली इंश्योर टू ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द आधार कार्ड पैन कार्ड ओरिजिनल कॉपी टू द जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर वेरिफिकेशन। तो जीएसटी सुविधा केंद्र पे जब वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो आपको आधार कार्ड तो अपना ले जाना ही है, पैन कार्ड भी ले जाना, ओरिजिनल कॉपी, इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे अटैच कर रखे हैं जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एप्लीकेशन करते समय, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको ले करके जाना है। जैसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के लिए आप फोटो वगैरह वहां अटैच किए तो फोटो लेके जाना है। इसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपने रेंट या लीज एग्रीमेंट अटैच किया होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी की बिल होगी, आपके नगर निगम के कार्ड होंगे, प्रॉपर्टी की रसीद होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय वहां पर आपने अपलोड कर रखा उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको जीएसटी केंद्र पे लेके जानी है। इसके बाद दोस्तों यहां पे जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ये प्राइवेसी नोटिस जिससे दिखेगा आपको इस बॉक्स पे चेक करना है, देन आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है जो TRN नंबर आपको जनरेट होकर के मिला था। दोस्तों जो TRN नंबर होता है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको ये अलॉट हो जाता है और वो TRN नंबर इंटर करने के बाद ही आप आगे का जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं। TRN नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपको मेंबर टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ऑथोराइज सिग्नेटरी है या फिर प्रमोटर या पार्टनर है। यदि आप प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन अपना किए हुए हैं तो उस केस में ऑथोराइज सिग्नेटरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे नेम इंटर करना है उस पर्सन का, यदि आप प्रोप्राइटरशिप में करें तो आप अपना नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, यदि पार्टनरशिप में तो पार्टनर का नाम या प्रमोटर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे वैलिडेट बटन पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पे तुरंत एक कन्फर्मेशन मेल यहाँ पे आएगा कि आपका जो स्लॉट है वो बुक हो चुका है जीएसटी
जीएसटी सुविधा केंद्र का बकायदा नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपको डेट मेंशन किया रहेगा कि आपको किस डेट को जाना है, किस टाइम पे आपको यहाँ पे विजिट करना है जीएसटी सुविधा केंद्र पर। तो दोस्तों यहाँ पे जीएसटी सुविधा केंद्र पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है, आपका वहां पे फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड में जो भी आपका बायोमेट्रिक हो रखा है, आपकी आईज का, आपके अंगूठे का, वो सब कुछ लेने के बाद जैसे वो कंप्लीट होगा आपको तुरंत एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, अब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी वेरीफाई होना बाकी है। तो इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई वहीं पे होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा वहां पे सिस्टम पे अपडेट होगा, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल मिलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगेन आपको एक ईमेल रिसीव होगा और आपको एक यहाँ पे एआरएन नंबर दोस्तों तुरंत जनरेट हो जाएगा जो कि आपके मेल आईडी पे आपको दिखेगा। वो एआरएन नंबर आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी एआरएन नंबर पे आप इंटर करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस को आप ट्रैक कर पाते हैं, देख पाते हैं कि जीएसटी ऑफिसर जो है आपके एप्लीकेशन को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद और उसके बाद जो ऑथेंटिकेशन है कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जीएसटी अप्रूव हो जाएगा। जब आपकी डिटेल्स वहां पे जीएसटी ऑफिसर के पास जाएगी, उसको चेक करेगा, यदि उसे संतुष्ट होगा तो आपको जीएसटी नंबर अलॉट कर देगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्लॉट बुकिंग फैसिलिटी लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए कि आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है, साथ में आपको अपना जो है फोटोग्राफ्स वगैरह आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई, इसको पीछे दोस्तों रीजन क्या है, तो बेसिकली देखिए जो फेक रजिस्ट्रेशन होते थे जीएसटी में उसको रोकने के लिए, जो बोगस बिलिंग होती थी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, इसका आधार और पैन का जो मिसयूज होता था दूसरे लोगों का लेकर के जीएसटी नंबर वगैरह के लिए लोग अप्लाई करते थे, उसका मिसयूज करते थे, ठीक है, और सिटीजन को जो है फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस होने से बचाने के लिए ये सारा काम किया गया है। तो दोस्तों ये जो रोल आउट किया गया है वो 24 अगस्त 2024 तक कुछ स्टेट्स थे जिसमें कि ये ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है, जैसे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और बाकी ये जो दो है ये 24 अगस्त से इन स्टेट्स में भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। 6 सितंबर 2024 से अब इन स्टेट्स में भी इसे अप्लाई कर दिया गया है, यानी कि जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आने वाले समय में जो जीएसटी नंबर लेना है वो काफी मुश्किल होने वाला है, तो बहुत ही केयरफुली हमें अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी जीएसटी नंबर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से रखना है और उसका वेरिफिकेशन करना। होप कि आपको वीडियो में दीजिए जानकारी पसंद आई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय।